कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में मुसलमानों को मिलने वाले ओबीसी कोटे को खत्म कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को दिया गया ओबीसी आरक्षण सिर्फ तुष्टिकरण के लिए था, जो लोकतंत्र और संविधान दोनों का अपमान है। पश्चिम बंगाल में भी 17% ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें शामिल 100 में से 92 मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, जबकि बंगाल में कुल 70% हिंदू आबादी है, फिर भी उन्हें 34% ही आरक्षण मिल पाता है। ये अकेला मामला नहीं है। मार्च 2023 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को अलग से 4% आरक्षण देने का ऐलान किया, जिस पर अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जुलाई 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार ने 5% आरक्षण देने का फैसला किया, जिसे सितंबर 2004 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल उठता कि क्या भारत जैसे सेकुलर देश में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है? क्या कभी मुसलमानों को SC ST OBC का कोटा कम करके आरक्षण दिया गया? क्या कहता है संविधान? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद तैयार की गई सभी ओबीसी सूचियों को रद्द कर दिया है। उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में बनी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से शुरू हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में सरकार के कर्मचारियों में केवल 3.5% ही मुस्लिम हैं। बस यहीं से राजनीति का खेला चालू हो गया। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर 2010 में लेफ्ट की सरकार ने 53 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया और ओबीसी आरक्षण 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया, और करीब 27% मुस्लिम आबादी रातों रात ओबीसी आरक्षण के दायरे में आ गई। लेकिन 2011 में लेफ्ट की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उसका यह फैसला कानून नहीं बन सका। लेकिन फिर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई। सीएम बनते ही ममता सरकार ने सूची को 53 से बढ़ाकर 77 कर दिया, साथ ही ओबीसी आरक्षण को दो हिस्सों में बांट दिया, ओबीसी ए और ओबीसी बी। ओबीसी ए कैटेगरी में 81 जातियां शामिल की गई, जिसमें से 56 जातियां मुस्लिमों की शामिल की गई। वहीं दूसरी कैटेगरी ओबीसी बी में 99 जातियां शामिल की गई, जिसमें 41 जातियां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की थी। बंगाल सरकार ने ओबीसी आरक्षण का लाभ भी लिस्ट में शामिल सभी जातियों को एक तरह से नहीं दिया, इसमें भी मुसलमानों को ही प्राथमिकता दी गई। पहली कैटेगरी ओबीसी ए में 10% ओबीसी आरक्षण दिया गया, जिसमें से ज्यादातर जातियां मुसलमानों की थी। दूसरी कैटेगरी ओबीसी बी में सिर्फ 7% ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया गया, जिसमें हिंदुओं के साथ साथ कुछ मुस्लिम जातियां भी शामिल की गई। इसे ऐसे समझिए कि बंगाल में कुल 70% हिंदू आबादी है, जिसे 34% आरक्षण मिल रहा है, और 27% मुस्लिम आबादी है, जिसे 66% आरक्षण दिया जा रहा है। इन आंकड़ों से इतना तो साफ है कि यह मामला आरक्षण का कम सियासत का ज्यादा है, जिसमें एक तरफ बैकवर्ड हिंदू है और दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। पीएम मोदी का चुनावी सभाओं में हिंदू मुसलमान की बातें करना कई लोगों को आपत्तिजनक लग सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि देश में सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति के लिए आरक्षण बांटा जा रहा है। फिर चाहे पश्चिम बंगाल में दिया गया आरक्षण हो या फिर कर्नाटक के सभी मुसलमानों को ओबीसी बनाकर 4% आरक्षण दिया जाना हो, ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे देश में तुष्टिकरण का खेल चल रहा है और मुस्लिमों को तुष्टिकरण की राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। वैसे तो भारत की आजादी के लगभग 20 साल पहले ही आरक्षण की शुरुआत अंग्रेजों ने भारत में कर दी थी, लेकिन आजादी के बाद बने भारत के संविधान में जातिगत आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई और कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और SC ST को इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया कि वो मुसलमान थी, बल्कि इसलिए दिया गया क्योंकि ये जातियां पिछड़ी थी और ओबीसी में शामिल थी। मुस्लिम जातियों के लिए आरक्षण का कोई अलग से कोटा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 1950 के राष्ट्रपति आदेश में कहा गया है कि केवल हिंदू ही अनुसूचित जातियों में शामिल होने के हकदार हैं। हालांकि सिखों को 1956 में और बौद्धों को 1990 में अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया, हालांकि मुसलमान और ईसाइयों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए अमूमन आलोचनाओं से घिरी रहने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के राज में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण सर्टिफिकेट रद्द किया तो ममता सरकार सियासी नफा नुकसान तलाशने लगी। ममता बनर्जी ने तो कोर्ट के फैसले को ही मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई वो लड़ती रहेंगी और इसे कभी खत्म नहीं होने देंगी। मुस्लिम तुष्टिकरण की लड़ाई नई नहीं है। 2012 में तो राहुल गांधी ने कहा था कि मुसलमानों को हम अलग से आरक्षण देंगे, लेकिन इनकी सरकार ही सत्ता में वापस नहीं आई। कुछ दिन पहले लालू यादव ने भी कहा था कि मुस्लिमों को फुल आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये वही लोग हैं जो बैकवर्ड और पिछड़ों की राजनीति तो करते हैं, लेकिन चिंता सबसे ज्यादा मुस्लिम तुष्टिकरण की नहीं होती है।
ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अपने जाति पिछड़े और दलितों की राजनीति करने वाले दल भी अपने समाज को नहीं बल्कि मुस्लिमों को आरक्षण क्यों दिलाना चाहते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं ताकि उनको एक विशेष वर्ग का वोट मिल जाए। पश्चिम बंगाल का फैसला उसी राजनीतिक तुष्टिकरण का उदाहरण है जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। वैसे आपकी अपनी राय आरक्षण को लेकर क्या है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।